हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फिर से आ गई और एक व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ने कैसे एंजॉय किया मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि हम लोग कैसे किए, एंड आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये देवांश का स्टडी टेबल है, तो उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेकोरेशन के लिए। मेरे पास बहुत सारे डेकोरेशंस के थे हम लोग के हाउस वार्मिंग से, लाइक जैसे कि फ्लावर्स आप लोग देख रहे हैं, और ये सब कुछ मैं इंडिया से ऑर्डर की थी। ये जो येलो कलर का जो भगवान जी का क्लॉथ है वो भी है, और जो फ्लावर्स है सब कुछ, तो हम लोग उसी को ही रीयूज़ कर रहे हैं। एंड बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन है ये हम लोग का। मैं सोची थी इस बार कि मैं भगवान जी का स्थापना करूँगी एंड मूर्ति ला के पूजा करूँगी, बट फिर से सोचे कि देखते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नवरात्रि भी है। तो जैसे हम लोग घर में सिंपल सा पूजा करते हैं वैसे ही हम लोग किए इस बार। और यहाँ पे जो फ्लावर्स देख रहे हैं ये भी हम लोग अमेजन से ऑर्डर किए थे, एंड ये जो कॉटन टाइप है ये भी हम लोग यहाँ से ऑर्डर किए थे। और फिर बस ये है सिंपल सा डेकोरेशन। और फिर मेरे हस्बैंड को अच्छा लग गया, कुछ पिंटरेस्ट से कुछ आइडियाज़ लिए कि एक फोम बोर्ड जो होता है उसमें कट करके कुछ बनाएंगे, तो वो उसी में ही लगे हुए हैं। और ये कट कर लिए, एंड जो देवांश का जो कलर्स होता है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बस उसको हम लोग कलर कर दिए, एंड स्वस्तिक का कुछ ये था तो उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड बस हो गया। ये सिंपल सा था बट बहुत ही अच्छा लगा देखने से। और ये हो गया, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा ये ऐड करने के बाद। और मैं कुछ फ्लावर्स लेके आई थी स्टोर से पूजा के लिए, एंड हम लोग रात को ही ये करके सो गए थे क्योंकि सुबह उठ के फिर प्रसाद बनाना है, एंड वैसे भी वर्किंग डे था तो टाइम नहीं होगा करके। और ये हो गया मॉर्निंग गणेश चतुर्थी का, कुछ पूजा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो डोर हैंगिंग देख रहे हैं, मैं लास्ट ईयर मैं लेके आई थी, नॉट लेके आई थी, मैं ऑर्डर की थी अमेजन से ही, यूज़ नहीं की थी, तो मैं सोची गणेश चतुर्थी के दिन ही यूज़ कर लेते हैं। एंड मैं सोची कि भगवान जी को पहले मैं फ्रूट से ही प्रसाद चढ़ा के पूजा शुरू कर देती हूँ, एंड फिर मैं उनके लिए लंच बनाऊँगी। तुरंत से मैं नहा के भगवान जी का पूजा कर दी, एंड फिर मैं किचन में जाऊंगी भगवान जी के लिए बिना प्याज लहसुन का एक अच्छा सा लंच बनाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे थे, जो डेकोरेशन हुआ अभी हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत क्विकली हुआ एंड अच्छा भी लगा। तो शुरू करते हैं किचन में खीर से। खीर मेरे घर में जैसे करके भी बनता है भगवान जी के लिए, तो मैं खीर से ही शुरू कर रही हूँ। तो अभी एक क्विक सा मिक्स्ड वेज करी बनाते हैं। इसके लिए मैं पनीर को ऐसे फ्राई की हूँ, पटेटे को फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा वेजीज जैसे कि बीन्स हो गया, गाजर हो गया, मटर हो गया, उसको हम लोग फ्राई करके एक साइड में रख लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही फ्राई करेंगे। सेम कढ़ाई में हम लोग क्या करेंगे, ऑयल लेंगे, एंड फिर हम लोग उसमें जीरा ऐड करेंगे, और एक मैं पेस्ट बनाई हूँ टमेटो, कैश्यू एंड हल्का सा अदरक का। ये मेरा बिना प्याज लहसुन का मेरा जो ग्रेवी के लिए होता है मसाला हमेशा, तो उसको हम लोग कुक करते रहेंगे। और एक जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, लड्डू बनाने को मन किया बट लड्डू नहीं, बूंदी बनाने को, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, बेसन ले रही हूँ, 2 कप सा बेसन ली हूँ। ऐसे अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे, उसमें हम लोग 1 कप के लिए 1 स्पून ऑयल ऐड करेंगे, एंड फिर से मिक्स कर लेंगे। एंड फिर इसमें हम लोग हल्का सा पानी लेके, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, एक मीडियम कंसिस्टेंसी का हम लोग एक बैटर बना लेंगे ये बूंदी के लिए।
और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा मसाले से ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, ड्राई मसाला जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड मैं हल्का सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हम लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं एंड हल्दी ऐड करेंगे। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, नमक ऐड करेंगे एंड हम लोग जो फ्राई करके पनीर, पटेटो और जो बाकी जो वेजीज है उसको ऐड कर लेंगे। हल्का सा कुक करेंगे ऐसे ही 2 to 3 minutes और फिर हम लोग पानी ऐड कर देंगे और इसको हम लोग अनादर 5 to 7 minutes 10 minutes तक हम लोग इसको बॉयल करेंगे। हम लोग का करी रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ एक नौड़िया पाचड़ी बोला जाता है उड़िया में और बहुत जगह पे खाया जाता है। इसको बनाने के लिए मैं कोकोनट ली हूँ, ये पूरा ग्रेटेड कोकोनट है। इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ 2 spoons और इसको हमको हल्का सा ग्राइंड करना है, बस चलाना है, ज़्यादा नहीं करना है, और हल्का सा हम लोग करेंगे और बस ये हम लोग ऐसी एक जगह पे रख देंगे और ऊपर से हम लोग तड़का लगाएंगे। मैं तड़का बाद में लगाऊंगी, बस कड़ी पत्ता और पंचफूरन और लाल मिर्च का। और ये देखिए अभी मैं शुरू करती हूँ अपना बूंदी बनाने के लिए। देवांश बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि मम्मी कुछ कर रही है करके, और ऐसे ही मैं जो राइस का छन्नी टाइप का था मेरे पास, बहुत अच्छा वाला नहीं है बट स्टिल आई मैनेज्ड कि बूंदी बन गया। इसको हम लोग ऐसे ही मीडियम फ्लेम में ही ऐसे ही फ्राई करेंगे हल्का हल्का करके। नेक्स्ट एक उड़िया फेमस करी बनाने के लिए मैं ली हूँ जीरा, ली हूँ सौंफ है उसमें, तेज पत्ता है, हल्का सा काली मिर्च और लौंग है, उसको हम लोग ग्राइंड करेंगे, और ढेर सारा वेजिटेबल्स है और कोकोनट है जो ग्रेटेड कोकोनट है। फर्स्ट थिंग कि हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक जगह लेंगे, ये मेरे हस्बैंड बनाए। और इसमें क्या करेंगे, ये जो बॉडी होता है ये उड़िया में बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सेम जगह पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हींग डालेंगे और फिर क्या करेंगे, हल्दी डालेंगे और जो हम लोग मसाला बनाए थे ना उसको डालेंगे। एंड इसको हम लोग अभी हल्का सा लाइक 2 to 3 minutes ऐसे ही चलाएंगे। बाकी इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वेजीज हैं, जैसे वेजीज में गया है पम्पकिन गया है और फिर अरबी गया है, मूली गया है और परवल गया है एंड वो क्या बोलते हैं उड़िया में, कांकड़ा बोलते हैं, मुझे हिंदी का वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो ऐड करेंगे। और हम लोग काला चना सोख करके रखे थे उसको ऐड करेंगे। ये जो रेसिपी है भगवान जी के लिए चढ़ता है, जगन्नाथ भगवान के लिए पूरी मंदिर में, और बहुत ही यम रहता है। इसका जो एक्चुअल टेक्निक है बनाने का बहुत डिफरेंट रहता है क्योंकि बहुत अलग रहता है भगवान जी के लिए जो प्रसाद बनता है, बट हम लोग घर में जैसे बनाते हैं वैसे ही बना ले रहे हैं। और देखिए मेरा मिक्स्ड वेज करी भी रेडी हो गया है। और एक जगह पे मैं कनिका होता है, ये भी भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है, वो बना रही हूँ और कभी इसका रेसिपी मैं शेयर करूँगी। उस करी में अभी हम लोग पानी ऐड कर देंगे और उसको हम लोग अभी ऐसे ही कुक होने देंगे। जगन्नाथ भगवान के पुरी में यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ता है एवरीडे 3 o'clock निकलता है, और जो खाना होता है ना प्रसाद जो होता है बहुत ही यमी रहता है। तो जो कनिका है ये एक मीठा वाला राइस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। तो उसको मैं सीटी लगा रही हूँ और एक जगह पे मैं बूंदी के लिए शुगर सिरप बना रही हूँ। और लास्टली मैं बनाई बहुत हड़बड़ी में, पूरा रेसिपी इसका नहीं है, मोदक, बट मेरे पास जो मोल्ड है वो मुझे नहीं मिला, तो फाइनली मैं हाथ से ही टाइम भी चला जा रहा था तो मैं सोची मुझे प्रसाद लगाना है इन टाइम पे, तो मैं इसलिए जल्दी से कुछ बना ली एंड इसका रेसिपी मैं इंक्लूड नहीं की हूँ, बट अच्छा बना था, टेस्टी बना था ये। और यहाँ पे देखिए जो पौरीवा मोहरा बोलते हैं इसको उड़िया में, इसमें हम लोग कोकोनट ऐड करेंगे, जागरी ऐड करेंगे एंड फिर इसको हम लोग और थोड़ा टाइम लोग उसको कुक करेंगे ताकि जो सब्जी है, जो है जितने भी वेजीज हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। बट मैं ना ये रेसिपी बहुत ही सिंपल होता है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। और फिर हम लोग जो बड़ी फ्राई करके रखे थे वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ एंड फिर हम लोग पूरी बनाए एंड दैट्स इट। ये हम लोग का आज का खाना रेडी हो गया है, मैं अभी भगवान जी के लिए सर्व कर देती हूँ। अभी पूरा खाना बन गया है तो अभी मैं भगवान जी के लिए निकालूंगी प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मैं आज मैं बनाई हूँ मीठे में बूंदी है, खीर है और उसके साथ मैं बनाई जो कनिका मीठा वाला राइस है एंड मिक्स्ड वेज मैं बनाई एक, और एक पौरीवा मोहरा जो
उड़ीसा स्पेशल है, और नौड़िया पाचड़ी जो कि नारियल का पाचड़ी है वो बनाई, एंड मैं जो मोदक बनाई हूँ वो मैं अपने हिसाब से बना दी। जैसे मैं बोली कि मुझे मोल्ड नहीं मिला, और मैं ट्राई भी नहीं, क्योंकि टाइम मैं थोड़ा सा जल्दी में थी, क्योंकि पूजा भगवान जी को प्रसाद इन टाइम लगाना था। तो ये मेरा मोदक भी बन गया एंड पूरी बनाए, एंड ये हो गया आज का मेरा गणेश चतुर्थी का स्पेशल भगवान जी के लिए प्रसाद। हाँ, दिव्यांश को मैं बोली थी कि बुक्स पूजा में लगता है, तो अपना जितने भी बुक्स हैं आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ ला के रख दिया था चारों तरफ भगवान जी के। और हमें अभी भी याद है ना, बचपन में बुक्स जैसे पूजा में जाता है तो उस दिन पढ़ना नहीं होता है, अनदर बेनिफिट ऑफ सेलिब्रेशन जो होता है गणेश चतुर्थी का। और ये था आज मेरा भगवान जी के लिए प्रसाद एंड पूजा। मैं जल्दी से ही, लाइक कुकिंग थोड़ा सा टाइम लगा, बट हम लोग जल्दी से ही पूजा कर लिए थे। मैं क्विकली जल्दी से साड़ी पहनी, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताई भी नहीं, वो मिंत्रा वाला साड़ी है, मैं लास्ट टाइम से ऑर्डर की थी, तो पिको फॉल कुछ नहीं हुआ, इसका ब्लाउज नहीं है, तो मैं ऐसे ही पहन के पूजा कर ली क्योंकि नया पहनना है करके। एंड फिर मैं पैक की अपने फ्रेंड के लिए एक देना था मुझे खाना, एंड फिर हम लोग ब्रेकफास्ट हम लोग का स्किप हो गया था, तो खाना मैं तुरंत से लगाई और हम लोग का लंच हम लोग किए, और बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली बनाना जो पत्ते में हम लोग खाना ना, हम लोग के यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। साउथ में तो बहुत खाते हैं, बट हम लोग के यहाँ पे ओकेजनली खाते हैं, तो मज़ा आता है खाने में। तो ये हो गया आज मेरा गणेश चतुर्थी का लंच। लास्ट वीडियो में आप लोग का मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे लिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आप लोग का क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और ये है हम लोग का आज का लंच, और स्पेशली मेरा बर्थडे होता है गणेश चतुर्थी में, तिथि के हिसाब से एवरी ईयर मैं मनाती हूँ अपना बर्थडे, मतलब बचपन से मम्मी पापा मनाए आए हैं, तो गणेश पूजा में ही लाइक होता है सेलिब्रेशन, तो बहुत ही अच्छा लगता है, पूजा होता है और अच्छा भी लगता है। ये क्लिप आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा रात का जो हम लोग इवनिंग को आरती किए, और एक फ्रेंड ने इनवाइट किया था गणेश जी दर्शन के लिए, तो उनके घर पे गए थे और वहाँ पे मेरा बर्थडे केक कटिंग भी हुआ, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ऑर्डर किए थे केक, और हल्का सा केक कटिंग, बहुत अच्छा लगा। पूजा था दिन भर, हम लोग प्रसाद चढ़ाए भगवान जी को, और अच्छा लगा दिन पूरा। आप लोग कैसे सेलिब्रेट किए मेरे साथ शेयर कीजिएगा, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।